आज की जो वैकेंसी है वो है राजकीय पॉलिटेक्निक या राजकीय महिला पॉलिटेक्निक विद्यालयों में व्याख्याता के तौर पे। इसकी वैकेंसी जो विज्ञापन संख्या है 39/2020 है। इसमें टोटल पोस्ट 130 हैं और इसकी एप्लीकेशन जो प्रोसेस है उसकी वेबसाइट है bpsc.bihar.nic.in पर जाकर के इसकी डिटेल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं और इसके बारे में यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कितनी वैकेंसी है और किस किस कैटेगरी में वैकेंसी है। जो अनारक्षित कैटेगरी है उसमें 54 वैकेंसी है। इसमें महिलाओं के लिए जो 35% रिजर्व हैं उसमें 19 वैकेंसी है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 13 वैकेंसी है और इसमें महिलाओं के लिए 3 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार सारी डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। जो कि अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 13 वैकेंसी और महिलाओं के लिए 5 वैकेंसी है। टोटल 130 पोस्टें हैं और महिलाओं के लिए 33 पोस्टें हैं। अब इसकी बात करेंगे वेतन, जो कि वेतन है 56,100 रुपये। शैक्षणिक योग्यता, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, जो कि बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विथ फर्स्ट क्लास या इक्विवेलेंट। इसमें जो खास बात है जो अप्लाई नहीं कर सकते हैं वो है इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी विषय में डिस्टेंस मोड या अपन यूनिवर्सिटी प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा मान्य नहीं होगा। विज्ञापन संख्या 816 दिनांक 1/4/2015 के अनुसार व्याख्या के अर्थता हेतु AMIE सेक्शन ANB उत्तीर्ण उम्मीदवार जिनका AMIE में दिनांक 31/5/13 तक इनरोलमेंट विथ पेमेंट रिकॉग्नाइज विथ BE या BTEC उत्तीर्ण या समतुल्य के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। ये सब बात की बात है। उम्र सीमा जो कि है दिनांक 1/8/2020 को इच्छुक उम्मीदवार आवेदकों की उम्र न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम उम्र सीमा नहीं है। सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। बहुत बड़ी बात है जो कि और दूसरे वैकेंसी में होती है कि 60 वर्ष के बाद हम उसको रिटायर कर देते हैं, उस वैकेंसी में रिटायर हो जाते हैं। लेकिन इस वैकेंसी में जो टीचर व्याख्याता पद पर हैं उसमें हम 65 वर्ष तक काम कर सकते हैं। चयन का आधार, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें कुल 100% इसका 100 नंबर का होगा वेटेज। इसमें हम मैक्सिमम 10 मार्क जो होगा 10% वेटेज आउटन बीटेक या बीई या बीएससी इंजीनियरिंग। 5 मार्क जो होगा एमई एमटेक के लिए होगा, 5 मार्क होगा पीएचडी के लिए। और बात कर लेते हैं कार्य क्षेत्र ज्ञान एवं शिक्षण कौशल का निलिखित परीक्षा और इसका एग्जामिनेशन कैसे होगा, जो कि है फॉर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी का स्ट्रीम फॉर सिलेबस ऑफ गेट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग। इसमें लिखित परीक्षा होगी जो कि 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इसका पूर्णांक होगा 40। इसमें जो संविदा वाले कैंडिडेट हैं उसके लिए भी यहाँ पे वेटेज है, जो कि विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन संविदा पर नियोजित व्यक्ता जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं उसमें 5 अंक प्रतिवर्ष ऐड किए जाएंगे। अधिकतम ये 5 वर्ष तक मान्य हो गया, जिसके लिए टोटल वेटेज है 25 मार्क। आरक्षण, अब आरक्षण किसको मिलेगा हम इसके बारे में बात करेंगे। आरक्षण ऑनलाइन आवेदन, जो ऑनलाइन आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनकी अस्थायी निवासी बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दिए नहीं होगा। उसको जनरली जनरल कैटेगरी में किया जाता है, जो कि आवेदन में दिया गया स्थायी पता का आरक्षण प्रयोजन के अस्थायी निवासी होगा। और जो कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जैसे कुछ नहीं है इस साक्षात्कार के लिए है ये पिछड़ा वर्ग। शुल्क, अब शुल्क की बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फी कितनी लगेगी। इसमें सामान्य विद्यार्थियों के लिए 750 रुपये हैं, जो कि बिहार के जनरल कैटेगरी या बिहार से बाहर से जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उसके लिए 750 रुपये लगेंगे। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये लगेंगे। बिहार राज्य के स्थानीय निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग के महिलाएँ उम्मीदवार के लिए 200 लगेंगे। दिव्यांग अभ्यर्थी जो विकलांग है उसमें 40% अधिक मान्यता है, उसके लिए 200 लगेंगे। उन सभी उम्मीदवार को 785 लगेंगे, जैसे कि OBC वगैरह होते हैं उन सबको 785 लगेंगे। और इसकी बात कर लेते हैं कब से अप्लीकेशन डेट है और रजिस्ट्रेशन क्या प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन की तिथि है 1/9/2020 से लेकर 18/9/2020 तक। ऑनलाइन के माध्यम से शुल्क का भुगतान होगा। इसकी अंतिम तिथि है 23/9/2020। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 30/9/2020 तक। और जो इसकी PDF कॉपी है उसको भेजने की वहाँ पहुँचने के ऑफिस में पहुँचने की तिथि है 7/10/2020 अपराह्न 5 बजे तक।
यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अब हम उसको कवर कर लेते हैं। जिस तिथि को रजिस्ट्रेशन किया गया है उसकी अगली तिथि को पुनः पूर्वाहन 11 बजे के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आवेदक को लिंक उपलब्ध होगा। जिस दिन आप पेमेंट करते हैं उसके अगले दिन ही आपका लिंक ओपन होगा और उस लिंक पर आप फॉर्म भर सकते हैं। उसकी कुछ टाइम लिमिट होती है जो कि बीपीएससी वैकेंसी हमेशा करती हैं, फॉर्म भरने के लिमिट बनाए रखते हैं जो कि 14 या 15 मिनट का होते हैं। उसके अंतर ही आपको फॉर्म को सबमिट करना होता है सारे क्राइटेरिया फुल करने के बाद, जो कि होते हैं पूरा डिटेलिंग भरनी होती है, मार्कशीट डिटेलिंग भरनी होती है, अपनी क्वालिफिकेशन भरनी होती है, डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होती है। ये सब सारे प्रोसेस करने में टाइम लगता है, इसलिए स्पीड बनाए रखना है और इसमें टोटल 14 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा प्राप्त यूजर नेम एवं पासवर्ड को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसमें वे अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन का सुरक्षित देख सकते हैं।